हाँ जी, जेम्स वॉकनर PSL अधूरा छोड़ के चले गए, उन्होंने इल्जाम बड़ा चवली मारी है वैसे भी कि यह बहुत ही गंदी हरकत की है, ये करनी नहीं चाहिए थी। उसने बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का ये इमेज प्रमोट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज एलिजिबल इज नॉन एलिजिबल फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सजा परचा होना चाहिए, ठीक है। PSL बदनाम करने की कोशिश की थी उन्हें, ठीक है। इसने बदतमीजी की है, जैसे इसको तो पंजाब पुलिस के हवाले करना चाहिए था। पंजाब पुलिस इसके साथ क्या करती जी? बिल्कुल, इस पर एक बड़ा केस बन सकता था और पंजाब पुलिस का तो आप खुद पता ही है कि कितनी मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है, लाहौर में ये टूर्नामेंट जारी है और पूरी जो पाकिस्तानी कौम है इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रही है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर दो रोज़ कबल PSL छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने PCB पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि PCB ने उनको पेमेंट नहीं की। इस हवाले से जिंदा दिलाने लाहौर क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं और जेम्स वॉकनर के मुतालिक उनकी क्या राय है, आइए हमारे साथ उनसे जानते हैं। हाँ जी, जेम्स वॉकनर PSL अधूरा छोड़ के चले गए, उन्होंने इल्ज़ाम बड़ा घटिया इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी पेमेंट नहीं की गई। क्या कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है? एक्चुअली पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज और लोग हैं जो कि पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का ये इमेज प्रमोट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज एलिजिबल इज नॉन एलिजिबल फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को तबाह करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इस तरह प्लेयर्स, बाकी प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, तो सिर्फ ये एक को मसला होना, ये बात कुछ समझ नहीं आती। देखें, इससे पहले भी हमने देखा कि जेम्स फॉकनर का अगर माजी का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो कोई अच्छा नहीं रहा। बिग बैश ने उनको निकाल दिया, फिर अभी जो उनके एजेंट है वो उनसे भी उन्होंने लड़ाई की है, होटल में उन्होंने बदतमीजी की है। तो ये क्या पर्सनल उनका कोई प्रॉब्लम है या कोई ओवरऑल इमेज ख़राब करने की कोशिश है, क्या कहती हैं आप? पर्सनल इशू भी हो सकता है, हो सकता है उनको डिमांड उनकी ज़्यादा, वो अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोमिनेंट करना चाहते हों। दूसरा, पाकिस्तान का बैड इमेज प्रमोट करने की भी एक साजिश हो सकती है। हो सकता है उनको कहीं से कुछ ज़्यादा पैसे मिल रहे हों तो वो पाकिस्तान को एक नेगेटिव इमेज के तौर पे पोर्ट्रे करना चाह रहे हों। हाँ जी भाईजान, जेम्स फॉकनर PSL छोड़ के चला गया, उसने इल्ज़ाम आयद किया कि जी मुझे पैसे नहीं दिए। पैसे तो उन्होंने 70% मिल गए ने, ठीक है, तो उन्हें गलत किया, जो भी उन्हें दारू पी के तोड़ फोड़ की है, ठीक है। पहले भी इंज दिया दो तीन उन्हें वाकियात किए ने, ठीक है, तो उन्होंने सजा मिलनी चाहिए, उन्हें बहुत गलत किया। सजा की मिलनी चाहिए? सजा परचा होना चाहिए, ठीक है। PSL बदनाम करने की कोशिश की उन्हें, ठीक है, तो अही चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट होए। परचा होता फिर तो गिरफ्तारी हो जानी, गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, वो फड़ना चाहिए इंज के बंद। पंजाब पुलिस के हवाले हो जाए, पंजाब पुलिस उन्हें की करेगी? ज्यादती उन्हें की है बाद चो, पंजाब पुलिस उन्हें की कर दी, की करना चाहिए, करनी चाहिए भी जो दो हाथ करने चाहिए ना। कि दो हाथ मसल के यानी कि उन्हें सजा देनी चाहिए जो उन्हें किया, समझ दे। देखे ना, ये पाकिस्तान को बदनाम करने वाली बात है, ठीक है। इस तरह के बंदे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह के मतलब कि देख लें आप, इसने बदतमीजी की है, जैसे इसको तो पंजाब पुलिस के हवाले करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था पंजाब पुलिस के हवाले कर? पंजाब पुलिस पकड़ के इसको ज़रा पांचा मूँचा लगाती ना ज़रा, अच्छा। तो फिर ये ज़रा इसकी ज़रा जो इसने बदतमीजी की है, असल में सरासर ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो आपको, आप समझते हैं कि जेम्स फॉकनर की इतनी हैसियत है कि उसको इतनी अहमियत दी जाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उसकी हैसियत क्या है? उसकी हैसियत तो उसकी हैसियत आपने देख ही ली है, जो बदतमीजी उसने की है हमारे पाकिस्तान के, बदनाम करना चाहा पाकिस्तान को। हाँ जी भाईजान, PSL देख रहे हैं? जी बिल्कुल। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर ग्रेंडर्स। जेम्स फॉकनर को जानते हैं? जी जी जान। क्या हरकत की है उसने? चवली मारी है वैसे भी, कहते हैं कि नहीं वो हमें पेमेंट नहीं पूरी दे रहे हैं, ऐसा तो कभी है नहीं। जबकि शाहिद फरीदी ने भी ट्वीट किया ऊपर कि जो है वक्त से पहले ही आपको पेमेंट मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से इसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो आपको इतनी इज्जत दी जा रही है, यहाँ पर आप आ रहे हो, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक बाहर का फॉरेन प्लेयर है और उसको भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वो ये हरकत कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही मना। अगर माजी का रिकॉर्ड देखा जाए तो बिग बैश लीग ने भी उनको निकाला, फिर उनके होटल में भी इख्तलाफात और उन्हें वो फानूस, बड़ा कीमती फानूस था, उसको भी तोड़ा उन्होंने। हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि बड़ी इन्होंने जो है तोड़ फोड़ की है, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। अच्छा, जेम्स फॉकनर ने वो फानूस तोड़ा है, ज़ाहिर है जिसका वो होटल है, वो होटल मालिकान वो इंतज़ामिया उस पर FIR भी दर्ज करा सकते थे। अगर उसको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाता, पंजाब पुलिस इसके साथ क्या करती?
जी बिल्कुल, इस पर एक बड़ा केस बन सकता था और पंजाब पुलिस का तो आप खुद पता ही है कि कितनी मशहूर है, तो ये एक बहुत केस बन सकता था, लेकिन क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो इसलिए इस मामले को इतना जो है उछाला नहीं गया पाकिस्तान पुलिस की तरफ से भी, और बहुत ज़्यादा इनको जो है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया जो है आ तो रहा है पाकिस्तान, लेकिन हम यही कि उनसे मुस्तकबिल में कोई उम्मीद नहीं रखते इस तरह की उनके किसी भी प्लेयर से, और हो सकता है कि बेसिकली ये एक साजिश भी हो जो फॉकनर ने किया है, तो मेरे ख्याल से आप समझते कि फॉकनर इतना बड़ा नाम है कि उसमें इतना एटीट्यूड जो उसका वो दिखा रहा था, तो इतना बड़ा नाम वाकई है? देखिए जी, ये तो अल्लाह ताला ही है जो किसी को ऊपर भी लेकर जाता है और फिर एक वक्त में आप नीचे भी आ जाते हो अगर आपका एटीट्यूड इतना जो है ना बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और उस पर सूट भी नहीं करता। एक इतना बड़ा प्लेयर हो कि आप इस तरह का एटीट्यूड दिखाओ तो आप ये सूट नहीं करता। हाँ जी, जेम्स फॉकनर पीएसएल छोड़ के चले गए, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जी पीसीबी ने उनके पैसे नहीं दिए, क्या कहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से यही कहना चाहेंगे कि सब झूठ है, ये पीसीबी वालों ने भी बैंक स्टेटमेंट उनको सारा दिखाया है कि मतलब ये सारी पेमेंट उनकी क्लियर है, वो बस अपनी मर्जी से गए हैं, कोई उन्हें मसला होगा इसलिए वजह से गए हैं, बाकी वो इल्ज़ाम बहुत गलत लगा के गए हैं। अच्छा, आप जॉब करते हैं? जी जी, जॉब करते हैं। ये आपका ऑफिस है? जी, इधर नाज़रीन, ये कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल सराउंडिंग में ऑफिस मौजूद है इनका। अच्छा, जब मैच होता है तो क्या इन्वायरमेंट होता है, लोग कितने पुरसकून होते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो कैसा मुल्क है ये? बहुत अच्छा मुल्क है जी, यहाँ पे मैच शुरू होने से 2-3 घंटे पहले ही ये बंदों को अंदर जाने के लिए इजाज़त दे देते हैं, उनकी टिकट देख के जाने देते हैं, अगर किसी ने वैसे भी जाना हो तो उनको वैसे मतलब नहीं जाने देते। सिक्योरिटी के हवाले से और बहुत टफ सिक्योरिटी है। हाँ जी, कजाफी स्टेडियम के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये कुछ क्रिकेटर्स हैं, ये आप लाहौर से हैं कि आउटर सिटी से आए हैं? नारंग मंडी से। नारंग मंडी से आए हैं, क्रिकेट खेलते हैं आप? जी सर। पीएसएल देख रहे हैं? जी। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? लाहौर कलंदर को। लाहौर कलंदर को। अच्छा, जेम्स फॉकनर टूर्नामेंट छोड़ के चला गया, इल्ज़ाम आयद किया है, पता ही आपको सारी इंसिडेंट का, क्या कहते हैं? वैसे ना उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको पेमेंट भी सारी सेंड कर दी थी, लेकिन ना वो देखो सब प्लेयर भी खेल रहे हैं लेकिन फिर भी वो क्रिकेट ना खेलते खेलते छोड़ के चला गया। जेम्स फॉकनर की हैसियत क्या देखते हैं, कोई इतना बड़ा खिलाड़ी है कि उसने जो हरकत की है? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसे ऐसे करना नहीं चाहिए था, उससे भी बेहतरीन खिलाड़ी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन इसने फिर भी ना गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेम्स फॉकनर के साथ क्या सलूक क्या होना चाहिए? मुझे लगता है उसको पाकिस्तान ने उसकी इतनी इज्जत दी है, उसको बिग बैश वाली भी नहीं उन्होंने खरीदा ना, पाकिस्तान ने उसको इतनी इज्जत दी, पाकिस्तान में हर तरह की सपोर्ट मिले, लेकिन उसने जो हरकत की है बहुत ही गंदी हरकत की है, ये करनी नहीं चाहिए थी। वो देखे ना, और भी प्लेयर्स हैं, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, राशिद खान उसको कैसा पाकिस्तान ने सी ऑफ किया, इतना अच्छा उसका इस्तकबाल किया है, और बड़े प्लेयर है लिविंग स्टन है, तो इस तरह बहुत गंदा उसने हरकत किया, और ये उसको जो भी हुआ पीसीबी ने सही किया, जो बैन किया ना उस पर उम्मीद है उसकी आएगी, उसको वक्त बताएगा कि उसका क्या। उसने जाते हुए फनूस भी तोड़ दिया होटल का, तो अगर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक देखा जाए तो जो होटल मालिकान है वो उस पर FIR भी दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जज्बा खैर से गाली के तहत और एक पॉजिटिव इमेज दिखाया और उसको छोड़ दिया, क्या कहते हैं पाकिस्तानी लोग कैसे हैं? ये बिल्कुल पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, पाकिस्तान की मोहब्बत है, जो हर बंदे से मोहब्बत करते हैं, हर बंदे को जो भी उनका आउट ऑफ सिटी आता है, ओवरसीज़ आते हैं, उनको हर तरह से अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, तो ये पाकिस्तान की मोहब्बत है, तो जो ये उसने फॉकनर ने किया है इंशाल्लाह उसको वक्त बताएगा, और उसने अपने और पाकिस्तान ने फिर भी उसको छोड़ दिया ना, नुकसान किया, हालांकि पेमेंट उसकी 70% हो चुकी थी और वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो यही था 30% बाद में की जाएगी, और उसका अकाउंट का कुछ इशू था, उसने कहा मेरा अकाउंट ब्लॉक है, तो ये वो, तो हालांकि उसने कहा पाकिस्तान ने कर भी दिया, फिर भी अब उसकी मर्जी है जो उसने किया, इंशाल्लाह अब उम्मीद है पाकिस्तान उसको अच्छा सबक दिया और अच्छा हुआ जो बैन हो गया। ठीक है, अच्छा हुआ। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? ये हमारी पीसीबी किसी के साथ बुरा नहीं करती और ना किसी से का बुरा सोचती है, जो उसने किया उसकी गलती बिल्कुल, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी, हमारा पाकिस्तान है जो हर एक प्लेयर जो बाहर जाता है इसे इज्जत देते हैं, उसने बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है जी, बिल्कुल गलत किया। और क्रिकेटर्स हैं ये नारंग मंडी से आए हैं और PSL के मैचेस जो है देखने के लिए आए हैं, लाहौर कलंदर की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और ओवरऑल हमने जो है वो आज बात की शायकी ने क्रिकेट से, और उनका यही रद्दमल है कि PSL में बड़े अच्छे मैचेस जो है वो हो रहे हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन जेम्स फॉकनर का ये एक एक्सेप्शनल केस है और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है, एक प्रोपेगंडा है जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।